रामनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था खस्ताहाल। तूफान ने उड़ाई विद्यालय की छत। मासूम बच्चे खुले आसमान में बैठने के लिए मजबूर। आपको बता दें कि रामनगर के मालधन क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था खस्ताहाल हो चुकी है। शिक्षा विभाग की लापरवाही से बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है। बीती शाम आए तूफान ने शिक्षा विभाग की खस्ताहाल कार्यशैली की पोल खोल कर रख दी है। रामनगर के मालधन क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुमुगडार सेकंड सन 2013 से आज दिनांक 1/3 सेट के कमरे में संचालित है। अपने मासूम बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए माता पिता जिस विद्यालय में अपने बच्चों को भेजते हैं, उस विद्यालय को बने 9 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उस विद्यालय में कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाई है। जैसे कि ना तो पानी पीने की कोई शुद्ध व्यवस्था है, ना तो उचित बैठने की कोई व्यवस्था है, और ना तो किसी कमी को शिक्षा विभाग पूरी कर पाया है। जिस वक्त तेज तूफान आया उसके आने से पहले विद्यालय की छुट्टी हो चुकी थी, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। और इन्होंने जो लकड़े काट रखे ये भी दिखा दो। जो तेज की आंधी आई है उससे हमारे विद्यालय की छत उड़ गई है, टीने उड़ गई हैं सारी, और पीछे पेड़ गिर गया है, जिससे हमारे विद्यालय को बहुत क्षति हुई है। हमने एक बैठने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की थी अपने बच्चों के लिए, अब वो भी ख़त्म हो गई है हमारे बच्चों के लिए। हम उसके अंदर बच्चों को नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि कभी भी अगर बारिश आती है या आंधी आती है दोबारा से, तो हमारे बच्चों को जान की उनको खतरा है। तो हमारी अपने विभाग से और सरकार से और विधायक जी से ये मांग है कि हमारे बच्चों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था की जाए, जिससे आगे जो बरसात आ रही है उसमें हमारे बच्चों की जान बचाई जा सके और उनके कोई नुकसान ना हो। मैडम, ये जो व्यवस्था की आप मांग कर रहे हैं इसमें टाइम भी लग सकता है, तो उस समय तक आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे यहाँ पे, क्योंकि स्कूल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और आने वाला समय जो है लगातार बारिश का ही है और तूफानों का समय है, तो अब इस समय कैसी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं आपके सामने, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं इस तरह? इस समय तो हमारे लिए बहुत बुरी परिस्थितियाँ बन गई हैं। देखिए, आज भी मौसम बारिश का हो गया है, तो हमारे लिए, बच्चों के लिए और हमारे लिए भी जान का खतरा बना हुआ है। तो हम लोग खुले आसमान में बैठे हुए हैं इस समय भी, आप जैसे देख रहे हैं बच्चों हमारे खुले आसमान में बैठ जा रहे हैं। अभी हमने गर्मी की वजह से बहुत तेज़ जब धूप निकल रही है तो ऐसे ही बैठाया हुआ है, बच्चे के किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आगे हमारे लिए बहुत परेशानी होने वाली है। ये तूफान आया, तूफान से उड़ी है और बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी उस वक्त, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था यहाँ पे। आप क्या चाह रहे हैं शासन में, प्रशासन से, इस तरीके से कैसे चलेगी व्यवस्था यहाँ पे? अब बरसात का मौसम आ गया है और व्यवस्था कोई नहीं है। सरकार ने कोई व्यवस्था आज तक कोई नहीं करी है। बार बार हम मांगे कर रहे हैं कि स्कूल के लिए कोई व्यवस्था पढ़ाने की जाए। अगर कल को कोई यहाँ पे किसी बच्चे को जान को खतरा होता है, कोई ऐसी अनहोनी घटना होती, जिम्मेदार कौन होगा उसका? शासन प्रशासन होगा। इसकी जो है ये वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, आप जो रात की आधी से जो है स्कूल की छत उड़ गई, आगे बरसात भी आ रही है, तो क्या व्यवस्था की जा रही है मैम आपके द्वारा वहाँ पे? आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि विद्यालय की टीन की छत उड़ गई थी। जैसा कि आप बता रहे हैं, ये फॉरेस्ट लैंड वाले विद्यालय हैं, जो कि टेम्परेरी अरेंजमेंट अपने झोपड़ी बना करके या टीन शेड बना करके इनमें बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। समय समय पर डिपार्टमेंट में उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया जाता है, उच्च स्तर से भी इस मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अतः हम फिर से उच्च अधिकारियों को संज्ञान में ये मामला लेकर के आएंगे और